माय डियर फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आज हम एक न्यूज़ पढ़ने जा रहे हैं। मैंने रैंडमली एक न्यूज़ उठाया है, देखते हैं हमें क्या चीज़ सीखने को मिलती है इस वीडियो से। इंशाल्लाह आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा इस न्यूज़पेपर से, तो हम देखते हैं। पुलिस अरेस्ट फूड सेलर हु यूज़ टू मिक्स ओपियम थिंग्स इन नूडल्स। पुलिस ने अरेस्ट कर लिया है एक फूड सेलर को हु यूज़ टू मिक्स, देखिए जो मिक्स किया करता था ओपियम थिंग्स यानी ड्रग्स। ओपियम एक ड्रग्स जैसी चीज़ें रहती है वो कुछ, तो इन चीज़ों को इन नूडल्स में क्या किया था वो, क्या करता था। देखिए यूज़ टू के साथ जब देखिए वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, मिक्स एक वर्ब है, तो यूज़ टू जैसे आई यूज़ टू प्ले, मैं खेला करता था, आई यूज़ टू गो, मैं जाया करता था, यूज़ टू के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, यानी ये पास्ट में आप कुछ किया करते थे तो यूज़ टू आप के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ करेंगे आप। जैसे आई यूज़ टू गो हेयर एंड देयर, मैं यहाँ वहाँ जाया करता था, ऐसे कुछ भी चीज़ें बना सकते हैं आप। आई यूज़ टू बीट, मैं मारा करता था, ऐसे जो भी चीज़ें आप बना सकते हैं ऐसे सेंटेंसेस। तो पुलिस ने अरेस्ट कर लिया है एक फूड सेलर को, है ना। देखिए अरेस्ट है, अब मैंने आपको पहले ही वीडियो में बताया है कि जब भी अगर न्यूज़ में और उसके हेडलाइन में अगर आपको प्रेजेंट डेफिनेट दिखता है तो आपको पास्ट समझना है, क्योंकि जो भी इंसिडेंट रहती है वो पास्ट में हो चुकी रहती है, इसीलिए आपको पास्ट समझना है इसे। ये न्यूज़पेपर का स्टाइल रहता है, वो प्रेजेंट डेफिनेट में दिखाते हैं। तो वो ओपियम थिंग्स को यूज़ टू मिक्स, वो मिक्स किया करता था किस चीज़ को, देखिए ओपियम यानी ड्रग, यानी नशावर चीज़ें रहती हैं, ड्रग्स वगैरह रहती हैं, तो इन जैसी चीज़ों को वो नूडल्स में यूज़ किया करता था, नूडल्स में। तो हम आगे बढ़ते हैं, देखिए नूडल्स में यहाँ पे इसमें जो वो यूज़ किया करता था, इसमें मिक्स किया करता था और ड्रग्स वगैरह ओपियम। डे आफ्टर डे, दिन प्रतिदिन, देयर आर मैनी शॉकिंग केसेस, बहुत सारे जो है ना मैनी शॉकिंग केसेस जो हैं, कांट बी बिलीव, जिसका यकीन नहीं किया जा सकता है, आफ्टर नोइंग अबाउट देम, उनके जानने के बाद। ये बहुत सारे ऐसे केसेस हैं जिनका जो है आप बिलीव नहीं कर सकते, कांट बी बिलीव्ड, एक कैन नॉट है यहाँ पे, तो उसको कॉन्ट्रैक्ट करके कॉन्ट्रैक्शन उसको कहते हैं, उसको कांट पढ़ते हैं, कांट। और एक चीज़ और, जब कैन बी के साथ जब भी थर्ड फॉर्म आ जाए तो आप समझ लें ये पैसिव वाइज है। तो देयर आर मैनी शॉकिंग केसेस, बहुत सारे चौंका देने वाली जो केसेस हैं, दैट कैन नॉट बी बिलीव, जिसका यकीन नहीं किया जा सकता है, आफ्टर नोइंग, जानने के बाद, अबाउट देम, उनके बारे में। नाउ रिसेंटली, हाल ही में ऑल्सो अ सिमिलर शॉकिंग केस, एक इसी तरह के केसेस हैज़ कम टू लाइट, देखिए हैज़ कम टू लाइट, कम टू लाइट कहते हैं सामने आई है, देखिए अच्छे अच्छे ये जो फ्रेज़ है इसको लिख लें आप, हैज़ कम टू लाइट, सामने आई हैं, कम टू लाइट सामने आना, सामने आई हैं, यस हाँ, यू विल लूज़ कॉन्शियसनेस, आपके जो है मतलब क्या बोल सकते हैं, होशो हवास जो है आपके उड़ जाएंगे, होशो हवास आपके उड़ जाएंगे। आप ऐसा देखिए डे टू डे लाइफ में हम ऐसा यूज़ करते हैं, मैं जब अगर मैं ऐसी बात कहूँगा कि आपके जो है ना होशो हवास जो है उड़ जाएंगे, ऐसा बोलते हैं ना, तो देखिए अच्छे वर्ड्स है इसे यूज़ कर सकते हैं, लूज़ कॉन्शियसनेस, यू विल लूज़ कॉन्शियसनेस आफ्टर नोइंग, जानने के बाद, तो आपके जो है ना होशो हवास जो है उड़ जाएंगे आफ्टर नोइंग, जानने के बाद, क्या जानने के बाद, व्हाट हैज़ हैपेंड, कि जो हुआ है कहाँ, इन दिस केस, इस केस में हुआ है, इनफैक्ट देखिए इसका माना असल में, द केस इन द सिटी ऑफ, एक सिटी का नाम क्या है ये, लीनियुगंग इन जय इन जेंग जेंस जेंगस्यू प्रोवाइंस चाइना। देखिए चूँकि चाइनीज़ नाम है तो बड़े डिफ़िकल्ट रहते हैं इसके तलफ़ुज़ अदा करना, क्योंकि चाइनीज़ नाम है ना, तो ये चाइना में ऐसा हुआ है, ये इंसिडेंट हुआ है, ये वाक़या पेश आया, ये हादसा, क्या है चीज़ें हैं ये पूरी न्यूज़ है, देखते हैं। चाइना में ऐसा हुआ है, तो उसके सिटी के नाम बता रहे हैं, चाइना में जो सिटी है उनके तो उनके नाम बताए जा रहे हैं, यहाँ पर ऐसा हुआ है चाइना में, तो सिटी का नाम है वेयर द फास्ट फूड, जहाँ एक फ़ास्ट फूड सेलर, यानी फ़ास्ट फूड कहते हो चाउमीन बर्गर ये सब चीज़ें बेचा करते हैं, यानी जंक फूड जो बेचते हैं उनको वही फास्ट फूड सेलर कहते हैं। तो फ़ास्ट फूड सेलर हैज़ बीन अरेस्ट कर लिया गया है, देखिए हैज़ बीन या हैव बीन के साथ जब भी थर्ड फॉर्म आपको दिख जाए वर्ब की तो समझ लीजिए पैसिव वाइज है। आगे बढ़ते हैं, अरेस्ट कर लिया गया है, अकॉर्डिंग टू
सम रिपोर्ट्स, कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक चाउमिन, यानी कि चाउमिन मेड बाय दिस मैन, मेड बाय दिस मैन, इस मैन के द्वारा, इस आदमी के द्वारा बनाया गया, वाज सो लव्ड बाय द पीपल, बहुत पसंद किया जाता था लोगों के द्वारा, दैट के देयर वाज अ लॉन्ग क्यू ऑफ ईटर्स इन फ्रंट ऑफ हिज स्टॉल. देखें देयर वाज, देखिए यहाँ से, देयर वाज अ लॉन्ग क्यू, एक लंबी कतार थी, लंबी कतारें लगी रहती थी किसकी, ऑफ ईटर्स, खाने वालों की, ईटर्स की, खाने वालों की, इन फ्रंट ऑफ हिज स्टॉल, उसके स्टॉल के सामने, स्टॉल कहते हैं जो बंडी लगा के बेचते हैं ना, उसको स्टॉल कहते हैं, स्टॉल, तो बंडी को स्टॉल कहते हैं आप, इसमें इस अच्छा वर्ड है, ये सब लिख लें आप. देयर वाज अ लॉन्ग क्यू ऑफ ईटर्स, तो खाने वालों की जो है ना एक लंबी कतार लगी रहती, देखिए क्यू कहते हैं लाइन को, क्यू, इसे लिख लें, अच्छे अच्छे वर्ड है सब लिख लें. तो देयर वाज अ लॉन्ग क्यू ऑफ ईटर्स, खाने वालों की एक लंबी कतार लगी रहती थी इन फ्रंट ऑफ हिज स्टॉल, उसके उस आदमी के स्टॉल के सामने. तो आगे बढ़ते हैं. बट एज सुन एज द पुलिस केम टू नो, लेकिन जैसे ही, एज सुन एज, जैसे ही द पुलिस केम टू नो, पुलिस को पता चला अबाउट इट, इसके बारे में, द पुलिस अरेस्टेड हिम, पुलिस ने अरेस्ट कर लिया. अच्छा कुछ छूट रहा है क्या? नहीं 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 छूट रहा है. बट एज सुन एज द पुलिस केम टू नो, जैसे ही पुलिस को पता चला, केम टू नो, देखिए केम टू नो की कहते हैं मालूम चलने को, कम के सेकंड फॉर्म केम है. तो अगर आपको कोई चीज़ अचानक मालूम चलती है तो आप बोल सकते हैं आई केम टू नो अबाउट यू यस्टरडे, मुझे आपके बारे में कल मालूम चला कि आप वहाँ जा रहे हैं, ऐसा कुछ भी, ऐसा सेंटेंस आगे बना सकते हैं. तो अच्छा ये देखिए वर्ड है, अच्छे फ्रेज हैं सब वर्ड्स, लिख लें इसे आप, कम टू नो, केम टू नो, ये सेकंड फॉर्म है, तो आप कम टू नो लिख लें, बहुत अच्छा वर्ड है ये, आपके वोकैबलरी में जो है इजाफा होते रहेंगे अगर आप अच्छे अच्छे वर्ड्स को जो है नोट डाउन करते जाएं. अबाउट इट, इसके बारे में, जैसे ही पुलिस को पता चला, द पुलिस अरेस्टेड हिम, पुलिस ने अरेस्ट कर लिया. नाउ यू मस्ट बी वंडरिंग, नाउ यू मस्ट बी वंडरिंग, देखें अब यू मस्ट बी वंडरिंग, आप बहुत ही हैरान हो रहे होंगे, वाई, क्यों. नाउ यू मस्ट बी वंडरिंग, अब ज़रूर जो है हैरान हो रहे होंगे, देखिए मस्ट बी वंडरिंग, अब ज़रूर, मस्ट मतलब ताकीद के लिए आता, मस्ट बी वंडरिंग, अब ज़रूर हैरान हो रहे होंगे, वाह ऐसा क्यों हुआ, आखिर पुलिस ने क्यों अरेस्ट कर लिया. सो लेट अस टेल यू, तो हमें बताने दीजिए, मतलब मैं आपको बताता हूँ, दैट कि दिस मैन, के दिस मैन यूज़ टू ऐड, देखिए यूज़ टू ऐड, यूज़ टू के साथ देखिए यहाँ पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, यानी ऐड किया करता था, क्या किया करता था, पॉपी हस्क पाउडर, एक पॉपी हस्क पाउडर आती है नूडल्स में, देखिए नूडल्स में यूज़ किया करता था, यूज़ टू ऐड, ऐड क्या करता था, शामिल किया करता था, उसमें मिलाया करता था, क्या, पॉपी हस्क पाउडर, पॉपी हस्क पाउडर को मिलाया करता था, कहाँ, इन नूडल्स, नूडल्स में मिलाया करता था. तो देखिए एक वो ड्रग्स रहती हैं, नशीली थोड़ी पदार्थ रहती हैं, वो ऐसी पाउडर रहती है, उसको कहते हैं, ये पॉपी हस्क उसका नाम है. इट्स अ काइंड ऑफ ड्रग, देखिए आप बता दे रहे हैं, ये जो है, इट इज़ अ काइंड ऑफ ड्रग, ये एक ड्रग की तरह एक चीज़ है, दैट बिकेम एडिक्टिव, एडिक्टिव, जो अडिक्ट हो गई थी, है ना, बिकेम एडिक्ट अमंग द पीपल आफ्टर ईटिंग इट, जो देखिए बिकम एडिक्ट हो गए थे अमंग द पीपल, लोगों के दरमियान, आफ्टर ईटिंग इट, इसे खाने के बाद. देखिए तो इट्स अ काइंड ऑफ ड्रग, ये एक तरह की ड्रग है, दैट बिकेम, जो बना देती थी एडिक्टिव, दैट यहाँ पे देखिए रिलेटिव प्रोनाउन है, रिलेटिव, तो यहाँ देखिए आप एक सेंटेंस को जोड़ लें, दैट जो बिकेम बना देती थी एडिक्टिव, एडिक्टिव कहते हैं मतलब लत जो लग जाती है ना उसको कहते हैं एडिक्टिव, जो बना देती थी यानी ये चीज़ें जो है एडिक्टिव कर देती थी, एडिक्टिव किस चीज़ में एडिक्टिव कर देती थी यानी लत लगा देती थी, अमंग द पीपल लोगों के दरमियान ये एडिक्टिव कर देती थी, आफ्टर ईटिंग इट इसे खाने के बाद. तो फिर से देखते हैं हम थोड़ा अच्छे से तर्जुमा करते हैं, इट इज़ अ काइंड ऑफ ड्रग, एक तरह का ड्रग है, दैट जो यानी जो ड्रग, ड्रग के बारे में बता रहे हैं, तो ये जो ड्रग है ये है, दैट जो बिकेम बना देती थी, क्या, एडिक्टिव बना देती थी यानी एक लत वाला बना देती थी यानी उसकी आदत पड़ जाती थी, अमंग पीपल लोगों के दरमियान, आफ्टर ईटिंग इट इसे खाने के बाद, यानी जो भी खाता था तो वो बिल्कुल उसका एडिक्ट हो जाता था, मतलब बिल्कुल उसे बार बार खाने का वो चीज़ करने का मन करता था. पीपल रिपोर्टेडली डिंट नो,
दैट वाई दे वर लाइकिंग चाउमीन नॉट टू ईट बट बिकॉज ऑफ दिस इंटॉक्सिकेशन. रिपोर्टेडली कहते हैं, देखिए पीपल रिपोर्टेडली, पीपल रिपोर्टेडली कहते हैं, ऐसा बयान आया है रिपोर्टेडली. तो पीपल रिपोर्टेडली डिडंट नो, लोगों को ऐसा नहीं मालूम था कि वाई दे वर लाइकिंग चाउमीन, कि वो आखिर चाउमीन क्यों पसंद कर रहे थे. लोगों को ऐसा नहीं मालूम चल पा रहा था आखिर चाउमीन वो लोग इतना क्यों पसंद कर रहे थे. नॉट टू ईट ना खाने के लिए, बट बिकॉज ऑफ दिस इंटॉक्सिकेशन, लेकिन इस टॉक्सिकेशन की वजह से, ड्यू टू दिस, जिसकी वजह से कस्टमर्स प्रिफर्ड, देखिए प्रिफर्ड कहते हैं, ड्यू टू दिस, इसकी वजह से यानी वो जो नशीली पदार्थ जो वो फूड सेलर मिलाता था, ड्यू टू दिस, इसकी वजह से कस्टमर्स प्रिफर्डेड, वो जो है पसंद करते थे, तरजीह देते थे टू ईट, खाने के लिए चाउमीन को. इवन इन लाइन नियर हिज स्टॉल एवरी डे, देखिए इवन यहाँ तक के लाइन में, नियर हिज स्टॉल, उसके स्टॉल के करीब, एवरी डे मतलब एक लाइन लगी रहती थी उसके स्टॉल के करीब में एवरी डे, हर दिन. इन द मिड्स ऑफ ऑल दिस, when the food and drug investigation team sent a sample for investigation. अब देखिए यहाँ से पढ़ते, in the midst of all this, तो इन चीज़ों के दरमियान, ये चीज़ें जब से चल रही थी, तो इन तमाम के दरमियान, when, जब the food and drug investigation team, यानी food, the food and drug investigation जो है, तहकीकात जो करते हैं, investigation जो team है, ये एक team, सेंट, उन्होंने क्या किया, सेंट भेजा, एक सैंपल भेजा, सैंपल एक नमूना, फॉर इन्वेस्टिगेशन, तहकीक के लिए. इट रिवील्ड, देखिए उसने रिवील्ड कर दिया, जाहिर कर दिया एक शॉकिंग थिंग्स, एक बहुत ही हैरान कर देने वाली चीज़ को. इट रिवील्ड, इसने रिवील्ड कर दिया, देखिए रिवील्ड कहते हैं, कोई भी सीक्रेट है वो उजागर जब हो जाती है, वो जाहिर हो जाती है, उसको कहते हैं रिवील्ड. तो इसने रिवील्ड कर दिया एक शॉकिंग थिंग्स, एक बहुत ही चौंकाने वाली कुछ चीज़ों को. इन्वेस्टिगेशन ने रिवील्ड किया कि दैट के पॉपी हस्क पाउडर वाज फाउंड इन द नूडल्स, कि जो पॉपी हस्क पाउडर है, जो ड्रग जैसी चीज़ें हैं, वाज फाउंड, मिली किस में, इन नूडल्स में. द पुलिस देन रेडेड द शॉप एंड टुक एक्शन, पुलिस ने क्या किया फिर, रेडेड, देखिए छापामारी कर दी, देखिए छापामारी करने को रेड कहते हैं, रेडेड, बहुत अच्छा वर्ड है ये, इसको आप नोट डाउन कर लें. अक्सर हम बोलते हैं छापामारी, पुलिस ने छापामारी कर दी है, तो ये वर्ड यूज़ कर सकते हैं. देखिए इसको नोट डाउन कर लें, जो जो अच्छे वर्ड्स मिलते हैं आप उसे नोटबुक में नोट डाउन करें, इसे लिख लें. छापामारी कर दी द शॉप, उसके दुकान पर, एंड टुक एक्शन, एंड क्या किया, एक्शन लिया. डे आफ्टर डे, दिन प्रतिदिन, ये तो हो गया, सॉरी सॉरी एक मिनट चले गए. द शॉप एंड टुक एक्शन, और एक्शन लिया पुलिस ने. तो हमने यहाँ तक पढ़ लिया, द पुलिस देन रेडेड, पुलिस ने छापामारी की, देन शॉप पर एंड टुक एक्शन, और एक्शन लिया. देखिए शॉप पे जो छापामारी की, शॉप पे दुकान पर, तो यहाँ पर कुछ आपको लगाने की ज़रूरत नहीं है, बस ऐसा बोल सकते हैं, पुलिस रेडेड द शॉप, पुलिस ने शॉप पर छापामारी की. तो रेड बहुत अच्छा लफ्ज़ है, रेडेड, तो इसे नोट डाउन कर लें. जो भी अच्छे वर्ड्स आपको पसंद आए उसे ज़रूर नोट डाउन कर लें, जिसको आप नहीं जानते. जैसे इन्वेस्टिगेशन कहते हैं तहकीकात को, इन्वेस्टिगेशन, देखिए ये वर्ड इन्वेस्टिगेशन, इसे नोट डाउन कर लें. अच्छे अच्छे वर्ड्स को जो है ना लिख लिया करें, ताकि आप जब कभी न्यूज़ पढ़ें तो आपको आसानी हो न्यूज़ पढ़ने में. रिवील, ज़ाहिर करना, यानी सीक्रेट को उजागर कर देना, किसी के सीक्रेट है तो रिवील करना, उसे ज़ाहिर कर देना. तो अच्छे अच्छे वर्ड इसे लिखते जाएँ, नोट डाउन करते जाएँ. तो आज के लिए बस इतना ही, टिल देन टेक केयर, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. अस्सलामु अलैकुम, जज़ाकुमुल्लाहु खैर, थैंक्स फॉर वाचिंग माय वीडियोस.